नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद का निदान के लिए वे भगवान शिव के पास गए और अपनी बात बताई। शिव जी ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तोता बोला, प्रभु मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको ये साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान शिव बोले, ठीक है तुम कहानी सुनाओ। श्रोताओं, तब तक माता पार्वती आ जाती है और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास चार बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम चंद्रसेन था, वो न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर के राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर के सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ आप उदास क्यों हैं? आप इतना मुरझाया हुआ क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूषित हो जाती है। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब का पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वो होश में आ गई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझ दासी को छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नर्म नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना ये कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वो सब हमारे साथ होते हुए सुखी से भी अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर चलना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वो राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुँचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें नींद तुरंत आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर तोता कहता है, हे प्रभु आगे सुने,
सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगे। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं अब जीकर क्या करूंगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसा मन में सोचता है। फिर वह रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। बस उस समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और राजकुमार को रोते हुए देखकर उसके में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है। मुझे चाहिए कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन के बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। जहाँ आकर मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूँ। तब तोता कहता है, हे प्रभु आगे सुने। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है। ये संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना पड़ेगा, तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह ये बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तू फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 10 वर्ष थी जिसे इसने बिता दिया, इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब वो संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी को तुरंत ही मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ना लेने की बात रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ला सकोगे।
हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर और उस रानी के सामने आकर वो देवदूत जो थे अंतर्ध्यान में चले गए। तब चंद्रसेन रानी से कहता है, आप सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया। फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा दी कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है, ये सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए पानी पिए फिर वापस आइए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जा रहे हैं। चंद्रसेन पानी पीने पहुँचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही है। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी थी। अब वह फकीर से कह रही है, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में है तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गया है तुम उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बात सुन करके चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। श्रोताओं, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, मानव क्या चीज होता है। उनके जाल में अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए झुकता है, रानी उसको धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने फिर रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वो नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वो राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वो फकीर के पास लाखों रुपए बन गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी थी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में ढकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे पकड़ लिया था। चंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा डोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में डोल डाला तब चंद्रसेन ने उसका डोल हाथ से पकड़ लिया। बंजारा ये देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ, मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा।
फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देख करके उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, ये भाई तुम कौन हो, तुम इस कुएं में कैसे गिरे, तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुँचे जहाँ एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब तोता बोला, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनकर चंद्रसेन चुप हो गए। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन को सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वो कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वो फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि कुछ दिन इस राज्य में रहते हैं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसे चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। ये देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन, जो रानी नृत्य और गायन की प्रशंसा करता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वो भी राजा के दरबार में सेठ के साथ यहाँ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और उनकी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उनके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, और फिर वो उसे उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गए हैं। अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मारा जा सके। उसने मन में सोचा,
अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाऊंगी, जिससे वो खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने सुरीला गाना और नृत्य सुनाया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुए और चंद्रप्रभा को वो बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वो डरकर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इस नर्तकी का, जिसके कारण वो तुम्हें मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल ये बता दो कि वो मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वो कह रहा है कि वो अपनी दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस मृतकी का चोर है। तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूँ जो कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है, तब राजा से कहती है, महाराज, मैं कुलटा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, ये कौन है मैं इसे जानती तक नहीं, ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस कर दें। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देखे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। ये दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने ये देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तोते ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, मैं स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। अब श्रोताओं, एक बार तोते ने भगवान शिव और पार्वती को एक कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। तो इसे सुनकर सभी ने हैरानी में डाल दिया। मैना ने कहा, प्रभु,
मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है तो मैना तुम कैसे सिद्ध करोगी यह बात? मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना ने कहना शुरू किया, प्रभु एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था, और उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुवारी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था, उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी वो जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो खुल के जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वो अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? जिसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो ये बात सुनकर युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर युवा लड़का को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वो भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहे थे तो एक जंगल आ गया। वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रह सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया, और क्यों ना करें, क्योंकि वह उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधने में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उनकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने फिर उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैं इसके साथ में सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, मेरे पास पैसे मिल गए, और उसने सोचा कि वो पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वो युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वो कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो वो उसने महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची, तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं ये कहती हूँ कि प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है, अब आप ही न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ।
सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। शिव जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के ये सत्य है कि इंसान की सोच उसके इस स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। श्रोताओं, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।